जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो अपनी पत्नी को मुंह दिखा पाएंगे आप? और फिर अभी अभी तो जवान हुआ है आपका बच्चा, दुनिया में अभी देखा ही क्या है उसने। बच्चों से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। अब तो इस केस को रफा दफा करने का एक ही तरीका है, हाथ मिला लीजिए हमसे। कमाल है, लोग तो उस आदमी के हाथ का थप्पड़ तक खाना पसंद करते हैं जिसके हाथ में हीरे की अंगूठियां हों, और आप हाथ मिलाने तक के लिए झिझक रहे हैं। चोपड़ा जी, अगर आप यहां से अब चले जाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने हमारे बेटे को आजाद कर दिया तो आपके बेटे को रिहा करवाने का वादा हम करते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, हमारे हाथ वहां तक पहुंचते हैं जहां आज तक साइंस भी नहीं पहुंच पाई। मिस्टर चोपड़ा। ओ नो मिस्टर सिद्धांत, हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं है। आप पहले अपने बेटे से जाकर मिलिए और उसकी हालत देखिए, उसके बाद हमें जवाब दीजिए। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। गुड नाइट। मिलॉर्ड, इस केस का एक और अहम गवाह, उस दुकान का मालिक, अदालत को एक बार फिर अपना बयान देना चाहता है। इजाजत है। योर ऑनर, बेला का बलात्कार और खून निरंजन ने किया है। यह बयान पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती दिलवाया था। सच तो यह है योर ऑनर कि इस मुल्जिम को कभी मैंने अपनी दुकान के आसपास भी नहीं देखा। जज साहब, हम जानते हैं कि खून करना कितना बड़ा जुर्म है और हमें उसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, मगर सच तो यह है जज साहब, उस लड़की का बलात्कार और खून निरंजन ने नहीं, हमने किया है जज साहब। निरंजन वहां मौजूद ही नहीं था जज साहब। माय लॉर्ड, मैं पहले दिन से जानता था कि गवाहों को खरीद लिया जाएगा, सच को झूठ में बदल दिया जाएगा, इसलिए कि मिस्टर शोभराज के ताल्लुकात शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हैं। लेकिन ऑनर, अब भी मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसे ना किसी की दौलत खरीद सकती है और ना किसी की धमकी डरा सकती है, इसलिए कि वो गवाह कोई और नहीं बल्कि उस मासूम गरीब लड़की का बाप है जिसने अपने घर से अपनी बेटी को डोली के बजाय अर्थी पर विदा किया है। माय लॉर्ड, बलात्कार का वो नंगा नाच इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा है। शर्मा जी, 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आप कहाँ थे? मैं अपनी बेटी को खाना देने उसकी दुकान पर गया हुआ था। क्या देखा आपने वहाँ? ये तीनों वहाँ हैं, दुकान को अंदर से बंद करके इन लोगों ने मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटा है, जानवरों की तरह। दस साहब, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर इन लोगों पर भूत सवार था, भूत सवार था। दस साहब, किसी ने मेरी बच्ची का बलात्कार किया है, ये खूनी है। दस साहब, मेरी बेटी का कातिल है, इसे फांसी दे दीजिए। बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया? मेरी बेटी का खून नहीं किया तूने? झूठ बोल रहा है बुड्ढा। झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरी आंखों के सामने तूने मेरे बेटे को मारा है, दुकान के अंदर तो मैं सब देख रहा था। तू दुकान के अंदर नहीं था, कोई नहीं था दुकान के अंदर। जब तुम दुकान में नहीं थे तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि ये दुकान में थे या नहीं? ऑर्डर, ऑर्डर। माय लॉर्ड, मुल्जिम ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त दुकान के अंदर और कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुकान के अंदर सिर्फ मुल्जिम और उसके दोस्त थे। मैं अपनी तरफ से और इस बदनसीब बाप की तरफ से अदालत से माफी चाहता हूं। मैंने इनसे झूठ सिर्फ इसलिए बुलवाया था कि सच सामने आ सके, और सच क्या है यह अदालत के सामने आ चुका है। थैंक यू माय लॉर्ड। ये अदालत इस्माइल और राजीव को
निरंजन का साथ देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाती है और निरंजन शोभराज को बेला शर्मा के कत्ल और बलात्कार के जुर्म में ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। निरंजन, तुम्हारे डैडी ने भेजा है तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए। चलो जल्दी चलो, जल्दी आओ। निरंजन रुक क्यों गया, चलना। उस हरामजादे को साथ ले जाएंगे। अरे देख क्या रहा है, मेरा बाप इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी मुझे नहीं छुड़ा सका। तेरा बाप तो कानून का रखवाला है, वो तेरे गले में खुद फांसी का फंदा डाल देगा। अरे सोच क्या रहा है, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। रोकी आया था मेरे पास, अभी किधर का मुझको मालूम नहीं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे की कसम खा के कहता, मैं सच कहता। चलो माइकल दूसरे किनारे पर हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। करण, चलो जल्दी चलो। अरे मेरे भाई को मत मारना। तेरे बाप से बहुत हिसाब चुकाने मुझे यार। बेगुनाह साबित करने के लिए बारा बारा फिर रहा हूं और तू जानता अगर आज इन लोगों के तुम माफ कर दे मुझे भाई। जेल से फरार होने के बाद हमारे बेटे को फिर से काल कोठरी में भेज दिया गया और तुम कुछ नहीं कर सके। मैं दूसरे किनारे पर उनका इंतजार ही करता रह गया सर। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो निरंजन की गलती की वजह से हुआ। अगर वो उस एसीपी के बेटे को साथ में लेके नहीं भागता तो उसका भाई वहां पर कभी नहीं पहुंचता। कौन भाई, कौन पहुंच गया वहां? देवा। हेलो, मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम।
ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। चूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। चूटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के घेरे बांध तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूं, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं, हिंदुस्तानी। और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी माँ के जीने का सहारा है, और अपनी माँ को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं, याद रखना। सर, अगर आप कहें तो। नहीं माइकल, मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, लेकिन ये हरामजादा तो कोबरा निकला। दोनों के फन को चलने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो? कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है। तब तो सहारे को जल्द अज जल्द फांसी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। आज के अखबार देखे आपने? यस सर। कल तक जिन अखबारों में सुर्खियां हुआ करती थी, ईमानदार एसीपी सिद्धांत, आज उन्हीं अखबारों में छप रहा है एसीपी सिद्धांत कितना ईमानदार है। दूसरों के बच्चों को तो बहुत जल्द सजा दिलवा देते हैं आप, अपने बेटे के खिलाफ चार्जशीट बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? चार्जशीट इंस्पेक्टर वीर सिंह तैयार कर रहे हैं सर। लेकिन इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो आप थे ना? यस सर, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर मेरे बेटे की तरफदारी करने का इल्जाम लगाए, इसलिए यह जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंप दी है। और साथ में यह भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो जब भी चाहें मुझे अदालत में बुलवा सकते हैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए। और कुछ कहना है सर? यस, रातों रात चार्जशीट तैयार करवाइए। कल सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही मैं उस मुजरिम को अदालत में देखना चाहता हूं। अंडरस्टैंड? यस सर।